नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। क्या आपके बच्चे जवाब देते हैं आपको? देखिए, सवाल थोड़ा बड़ा है। ये हास्यप्रद नहीं है। जिनके संतान हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनसे पूछिए कि ये कितनी बड़ी विपदा है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। क्या बच्चे जवाब देते हैं? बच्चे आपके कहने के हिसाब से नहीं चलते? क्या आपका बच्चा छोटा होने के बावजूद भी आपको बहुत परेशान करता है, पढ़ने में मन नहीं लगाता? क्या इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार हम और आप स्वयं हैं? परिस्थितियाँ तो यही कहती हैं। बहुत बार सुनने को मिलता है कि भाई आप मोबाइल की वजह से, टेलीविज़न की वजह से, न्यूज़ चैनल्स की वजह से, पिक्चरों की वजह से, आजकल के माहौल की वजह से, या शायद खान पान की वजह से, बहुत सारी ऐसी किंवदंतियाँ, बहुत सारी टाइप की बात है जिन्हें हम माध्यम मानते हैं, जिन्हें हम सूत्रधार मानते हैं कि शायद इनकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। कहने वाले ये भी कहते हैं कि संगति का असर है। संगत से गुण आवत, संगत से गुण जात, बास फांस और मिश्री एक ही भाव विकात। क्या सच में ये सब बातें तथ्यात्मक हैं? क्या इनसे ही सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं? क्या वो लोग बिल्कुल नहीं बिगड़ते जिनके घर में टेलीविज़न नहीं है, जिनके घर में ये संसाधन नहीं है? क्या जब ये कुछ नहीं था तब लोग खराब नहीं होते थे, तब बदमाश लोग नहीं पैदा होते थे? अगर हाँ, तो ये थोड़ा तर्क वाली बात है, ये सच नहीं है। परसेंटेज वाइज ये कह सकते हैं कि ये ही नहीं, एक्चुअली ये सारा का सारा जो कुचक्र है वो, एक तो जब किसी का विवाह होता है तो उस समय ये निश्चित होता है ना कि आगे संतान होगी, उसका मुहूर्त, उसका समय, और वो एक निश्चित आयु, और सीधे शब्दों में कहें तो भाग्य और प्रारब्ध, आपकी अपनी किस्मत। आपका प्रारब्ध है कि आपको पता है कि बच्चे आपका सुख देंगे, बच्चे आपकी बात मानेंगे, क्या बच्चे संस्कारी होंगे, क्या वो धार्मिक होंगे, क्या वो सामाजिक चीज़ों को समझने वाले होंगे, ये सब भाग्य और कपाट और प्रारब्ध में लिखा होता है पहले से। लेकिन ये है बड़ा दुख का कारण, और इसे बहुत ईजी तरीके से ठीक किया जा सकता है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो ध्यान, ज्ञान, शिक्षा, बौद्धिक क्षमता, आदर्श, न्यायप्रियता, या यूं कह लें कि आपका अपना बेसिक नेचर, स्वभाव, व्यक्तित्व, आधार पटल पर वो सारी की सारी चीज़ें देता है जो हम संतान से चाहते हैं। सुसंस्कारी संतान हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, व्यवहारिक हो, और उसके अंदर वो सारे सुलक्षण हो जो समाज में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और उसकी उन्नति भी हो। ये सब कुछ ठीक करने के लिए सिर्फ बृहस्पति ठीक करने की आवश्यकता है। बृहस्पति ठीक कैसे होता है? बृहस्पति ठीक करने का सबसे पहला नियम, अगर आप संस्कारी बनाना चाहते हैं तो बच्चे को प्रणाम करना सिखाइए, पैर छूना सिखाएं। अगर उसे आदर्शवान बनाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठना सिखाइए, सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, उसकी भी वो आदत होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो समाज में अच्छा नाम कर सके तो उससे सबसे पहला एक काम करें कि उसे जंक फूड से दूर करें। तीसरा एक काम, अगर आपको ये लगता है कि आपका बच्चा आपके आधार पर चले और आपकी बात माने, बिल्कुल बदजबानी नहीं करे, तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने घर में जो मसाले खाते हैं ना खाने में, उन्हें चेंज करना होगा। वो खुद से बनाइए, खुद से पीसिए, शुद्ध रखने की कोशिश करिए। सिर्फ इतनी सी चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजिकल एक उपाय भी करने की आवश्यकता होगी। केसर का तिलक लगाएं मस्तक पे, टंक यानी जीभ पे, कंठ पे, हृदय में, नाभि में, करके देखिए, पहले दिन से, पहली बार से फर्क पड़ेगा। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808-1426-940।